हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट डेली करंट अफेयर्स बाय शुभम सर। हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन जो हमारे किसी भी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। देरी न करते हुए फ्रेंड्स करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो पाउली नामक क्वांटम इंजन का विकास किसने किया है फ्रेंड्स? जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किसके द्वारा फ्रेंड्स? पाकिस्तान के द्वारा अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को 64वां स्थान मिला है। क्या मिला है फ्रेंड्स? 64वां स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगने वाला एआई आधारित बीटीएस वाट का विकास किसने किया है? तो सुपरनोवा विस्फोट होने वाला एआई आधारित बीटीएस वाट का विकास किसने किया है फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न। कौन फ्रेंड्स? नॉर्थ वेस्टर्न के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पाद कितना हुआ है? तो अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है फ्रेंड्स? 3,297,00,000 टन उत्पादन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? एनसीईआरटी से है फ्रेंड्स। किससे है? एनसीईआरटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो ओडिशा के राज्यपाल को रघुवर दास जी को नियुक्त किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? रघुवर दास जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने 13 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ पर मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी फ्रेंड्स लद्दाख में दिया गया है। कहाँ पर फ्रेंड्स? लद्दाख में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म कोऑपरेशन 2 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म को ऑपरेशन 2 के पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर हो जाएगा अशोक टंडन जी की पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्भा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बथुकम्भा महोत्सव या आयोजन कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? ये तेलंगाना का एक फेस्टिवल है जहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स। तेलंगाना में पुष्प उत्सव या बथुकम्भा उत्सव को तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।